नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। बिंद क्षेत्र के मशहूर नेता रहे स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की 17 सितंबर को जयंती मनाई जानी थी। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी शामिल होना था, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव त्योंथर के इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। बारिश का बहाना बताकर मुख्यमंत्री ने जबलपुर से ही इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि त्योंथर के विधायक सिद्धार्थ तिवारी स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के नाती हैं और त्योंथर से विधायक हैं। श्रीनिवास तिवारी की जयंती मनाकर सिद्धार्थ तिवारी मोहन यादव को अपनी लोकप्रियता दिखाना चाहते थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी का दूसरा धड़ा यह नहीं चाहता था कि सिद्धार्थ तिवारी के बुलावे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्योंथर जाएं। मुख्यमंत्री श्रीनिवास तिवारी की जयंती में शामिल न हो, इसलिए रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा लगातार श्रीनिवास तिवारी के विरुद्ध टिप्पणियां कर रहे थे। हालांकि इस संबंध में कुछ लोग यह कहते सुने गए कि टिप्पणी तो जनार्दन मिश्रा की गलत नहीं है, लेकिन मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति के बारे में इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि टिप्पणी का तरीका गलत है। फिलहाल जनार्दन मिश्रा और उनके आका जो चाहते थे वही हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्योंथर के विधायक सिद्धार्थ तिवारी के बुलावे पर बारिश का बहाना बनाकर त्योंथर नहीं गए। जबलपुर में ही बैठकर सिद्धार्थ तिवारी द्वारा बुलाई गई जनसभा को उन्होंने संबोधित कर दिया, लेकिन जहां से मोहन यादव त्योंथर की आम सभा को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे, ठीक उनके बगल से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भी बैठे थे। प्रदेश की राजनीति में इस बात की पर्याप्त चर्चा है कि त्योंथर विधानसभा का जिस गति से विकास सिद्धार्थ तिवारी चाहते हैं, उस गति से विकास नहीं हो पा रहा है। जो भी फंड आवंटित होता है उसमें कहीं ना कहीं अड़ंगेबाजी हो जाती है। इस बात से हैरान परेशान होकर त्योंथर के विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की हर जगह शिकायत कर दी। हालांकि इन सारी बातों की जानकारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को हो गई है, लेकिन राजेंद्र शुक्ला की राजनीति की एक बेहतरीन आदत है कि वह अपनी विरोधियों का नाम अपनी जुबान पर नहीं लेते, लेकिन उनका काम तमाम जरूर कर देते हैं। ठीक किसी तरीके से राजेंद्र शुक्ल ने सिद्धार्थ तिवारी का कहीं भी नाम नहीं लिया, लेकिन अपनी टीम को सिद्धार्थ तिवारी के विरुद्ध घेरने के लिए लगा दिया। जब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने त्योंथर आने की स्वीकृति नहीं दी थी, तब तक किसी भाजपाई ने श्रीनिवास तिवारी के विरुद्ध कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिली, वैसे ही रीवा जिले के सांसद जनार्दन मिश्रा श्रीनिवास तिवारी के विरुद्ध हमलावर हो गए। एक जमाना था जब श्रीनिवास तिवारी बिंद क्षेत्र की राजनीति की मुख्य धुरी हुआ करते थे। इस क्षेत्र की राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द मंडराती थी, और इसलिए एक जुमला बिंद क्षेत्र में बहुत फेमस हुआ, दादा न होए दऊ आए, वोट न दे हताऊ आए। समय श्रीनिवास तिवारी यहाँ के सर्वे सर्वा हुआ करते थे, दऊ न हो काया, दादा न हो दऊ आए, वोट न दे तऊ आए। जब कोई भी नेता बहुत दिनों तक सत्ता सिंहासन पर काबिज रहता है तो इस तरीके के अहंकार भरे नारे उनके चमचे निर्मित कर देते हैं। अपनी तारीफ और अपना गुणगान किस नेता को अच्छा नहीं लगता। जब श्रीनिवास तिवारी जिंदा थे तो निश्चित तौर पर उनको भी यह नारा अच्छा लगता रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में उस नारे का छिद्रन्वेषण शुरू हो चुका है। जब श्रीनिवास तिवारी विधानसभा के अध्यक्ष थे तो उनके समर्थक इस नारे को बोलकर अपने आप को गौरवान्वित समझते थे, लेकिन आज की तारीख में उस नारे के सहारे सिद्धार्थ तिवारी को किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है। भारी बारिश में सिद्धार्थ तिवारी ने अपना कार्यक्रम तो संपन्न कर लिया, लेकिन उन्हें इस बात का मलाल जरूर होगा कि आखिरकार उनके विरोधी इस बात में कामयाब हो गए और मुख्यमंत्री को त्योंथर नहीं आने दिया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब देखना यह है कि सिद्धार्थ तिवारी और जनार्दन मिश्रा के बीच छिड़ी हुई जंग आने वाले भविष्य में क्या गुल खिलाती है। जहां एक ओर जनार्दन मिश्र राजेंद्र शुक्ल की आड़ लेकर सिद्धार्थ तिवारी के ऊपर बाण चला रहे हैं, वहीं सिद्धार्थ तिवारी जनार्दन मिश्रा के हमले से बचने के लिए मुख्यमंत्री की गोद में बैठकर इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव सिद्धार्थ तिवारी को पर्दे के पीछे से कितना पसरे देते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।